हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हम लोग जो वर्ड मीनिंग का सेशन शुरू किया था उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वर्ड लेते हैं प्लीज। टैन, प्लीज टैन मतलब क्या होता है? कला, साहित्य, संगीत जो है ना, को ना समझने वाले, कला, साहित्य, संगीत, काव्य रचना, कुछ भी अगर ना समझने वाले हैं या फिर असभ्य लोगों को कहते हैं कि वो क्या है, फिलिस्टाइन है। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन को जोड़ने के लिए हम लोग फिलिस्तीन के लोगों से जोड़ेंगे। फिलिस्तीन के लोग को क्या कहेंगे कि वो लोग असभ्य हैं या फिर गवार है ना। तो असभ्य क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका भी रीजन है कि जो लोग मतलब फिलिस्तीन के लोग, जहाँ से लोग इजराइल से लोग कमाते हैं और फिलिस्तीन में लोग क्या करते हैं, खाते हैं, लेकिन वहां फिर क्या करते हैं, बमबारी कर देते हैं। तो वो लोग क्या है, असभ्य है ना, या फिर वो उन लोगों को ज्यादा समझ नहीं है। तो ज्यादा ना समझने वाले को भी असभ्य कहते हैं हम लोग, है ना। तो जिनको काव्य, संगीत या फिर कला समझ ना रखने वाले लोग हो, है ना, तो या फिर असभ्य लोग हो, फिलिस्टाइन कहते हैं। फिलिस्टाइन, फिलिस्तीन के लोग कैसे हैं, असभ्य हैं। फिलिस्तीन के लोग कैसे हैं, असभ्य हैं। तो इसको हम लोग फिलिस्टाइन मतलब कहेंगे कि ये असभ्य है। फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है, असभ्य है ना। या फिर जिसको समझ ना हो, किस चीज की समझ ना हो, कला की, संगीत की, काव्य की, इसकी समझ ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन कहते हैं। फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है, असभ्य है ना। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे पिटेंस, PITENCE। पिटेंस मतलब क्या होता है, क्षुद्र वेतन। क्या होता है, क्षुद्र वेतन, क्षुद्र और वेतन है ना। क्षुद्र वेतन मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे काम करते हैं, आप मान लीजिए कि 1,000 रुपया का काम करें और आपका जो सैलरी दिया जाता है वो 100 रुपया दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि मैं, ये क्या है मेरे लिए, क्षुद्र वेतन है ना। क्षुद्र मतलब छोटा सा वेतन है ना। तो आप कहेंगे दोस्तों को, मैंने क्या किया, ओनर को या मालिक को क्या किया, पीट दिया। मैंने मालिक को पीट दिया है ना, पीट दिया। क्यों पीटा, क्योंकि उसने मुझे दिया पिटेंस। मैंने ओनर को या मालिक को पीटा, क्यों पीटा, क्योंकि उसने मुझे दिया पिटेंस। वो मेरे को सैलरी के बदले में दे रहा था पिटेंस। सैलरी के बदले में क्या दे रहा था, पिटेंस। पिटेंस मतलब क्षुद्र वेतन है ना। तो इसलिए मैंने मालिक को क्या किया, पीट दिया। मैंने मालिक को पीटा। बोले क्यों पीटा, क्योंकि वो मुझे दे रहा है सैलरी के बदले में पिटेंस दे रहा था। पिटेंस मतलब क्षुद्र वेतन है ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं स्पूरियस। क्या लेते हैं, स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है, स्पूरियस मतलब होता है नकली। क्या होता है, नकली। कैसे याद रखेंगे, स्पूरियस। इसको जब हम लोग प्रोनंसिएट करते हैं तो प्रोनंसिएशन कैसे निकलता है, स्पूरियस, स्पूरियस, पूरी है ना, पूरी निकल रहा है प्रोनंसिएशन में। तो पूरी और इस पूरी से जो रस निकल रहा है वो क्या है, नकली है ना। जब हम लोग पूरी खाने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहता है कि ये जो है देसी घी में बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे दुकान वाले को कि भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस पूरी से जो निकलने वाली रस है, इस पूरी से जो निकलने वाली रस है वो क्या है, स्पूरियस है, क्योंकि ये क्या है, देसी घी का नहीं बना है, ये जो है रिफाइन का, डालडा का बना हुआ है। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली होता है। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हीड। क्या लेते हैं, हीड। हीड मतलब क्या होता है, ध्यान है ना। हीड मतलब क्या होता है, ध्यान। कहते हैं कि अब हीड मतलब, हीड को जोड़ेंगे हेड से। किसको जोड़ेंगे, हेड से। तो हेड मतलब क्या होता है, सर है ना। हम कोई अगर एक नजर से हमें देख रहा है, एक टक से हमें देख रहे हैं, हमारे सर के ऊपर देख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा जो हीड है वो मेरे हेड के तरफ है। तुम्हारा जो हीड है, ध्यान है, वो कहाँ पे है, मेरे हेड पे है, मेरे हेड पे है। हीड मतलब क्या हो गया, ध्यान है ना। एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपोजिट।
एपो है ना, एपोजिट मतलब क्या होता है, उपयुक्त या योग्य है ना। एपोजिट मतलब होता है योग्य, या फिर होता है ठीक, योग्य या फिर ठीक है ना। और इसका एक सिनोनिम वर्ड होता है, सिनोनिम वर्ड को याद रखेंगे तो वो क्या होता है, एप्रोप्रिएट। क्या होता है, एप्रो APPRO, एप्रो, और होता है प्रिएट है ना। एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, उपयुक्त। क्या होता है, उपयुक्त। कैसे याद रखेंगे, अपोजिट को। अपोजिट मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा होता है, अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। अब अपोजिट को क्या कहेंगे कि तुम कोई भी काम चाहे अपोजिट कर लो है ना। मान लो कि तुमने कोई काम अपोजिट भी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट आता है। अपोजिट मतलब योग्य आता है या ठीक आता है ना, या अप्रोप्रिएट होता है। अप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है। तो तुमने काम किया अपोजिट, मान लीजिए कि हम आपको कह रहे हैं कि इस मेथड से कीजिए, आप क्या कर रहे हैं कि उसके ठीक उल्टा अपोजिट से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो अपोजिट आ रहा है। अपोजिट आ रहा है मतलब ठीक आ रहा है ना। तो क्या कहेंगे कि आपने जो मेथड अपनाया था वो था अपोजिट, लेकिन आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है अपोजिट। अपोजिट मतलब योग्य या ठीक है ना। अप्रोप्रिएट मतलब उचित, अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, उचित है ना। अप्रोप्रिएट है ना, अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित या उपयुक्त है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं लैकुना है ना। लैकुना, लैकुना मीन्स क्या होता है, लैकुना, LACUNA, लैकुना, LACUNA, लैकुना मतलब होता है कमी, लैकुना मतलब होता है कमी, या फिर होता है ब्लैंक है ना, ब्लैंक। कैसे याद रखेंगे इसको, लैकुना लाख है ना, इसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, लाख प्लस यू प्लस ना। हम मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है, वो लाख लाख रुपया को ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लाख लाख यू ना, लाख लाख LAC, लाख लाख यू ना खर्च करा कर, लाख लाख रुपया यू ना खर्च करा कर, नहीं तो तेरी जिंदगी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और तुम्हारा जो धन है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तुम्हारा जो खाता है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा है ना। तो लैकुना, लाख यू ना खर्चा करा कर, लाख लाख यू ना खर्चा करा कर, नहीं तो तुम्हारे जिंदगी में हो जाएगी कमी और तुम्हारा बैंक हो जाएगा ब्लैंक। लाख यू ना खर्चा कर, लाख यू ना खर्चा करा कर, लाख यू ना खर्चा करा कर, लैकुना। लैकुना मतलब क्या होता है, अगर तुम लाख यू खर्चा करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में हो जाएगी लैकुना, मतलब कमी या फिर ब्लैंक है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं फैमिन। फैमिन मतलब क्या होता है, फैमिन है ना, फैमिन मतलब होता है ड्रॉट या अकाल। इसका सिनोनिम वर्ड लेते हैं तो क्या होता है, ड्रॉट है ना। ड्रॉट मतलब क्या होता है, अकाल है ना। क्या होता है, अकाल। अकाल मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि अकाल क्या होता है, तो अकाल पड़ती है। हम लोग बहुत सारे वर्ड इतिहास में सुने हैं कि मतलब इस वर्ष क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था है ना। जब प्रोडक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए है ना, सब खाने पीने मरने खाने पीने के लिए चिल्लाने लगे है ना। हम लोग कहते हैं फैमिन। फैमिन मतलब क्या होता है, ड्रॉट या अकाल है ना। एक वर्ड इसको हम लोग जो जो जोड़ने के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, एक जोड़ने के लिए हम लोग कहते हैं फेमी निन। फेमिनिन मतलब होता है, फेमी निन मतलब, फेमिनिन मतलब होता है पारिवारिक व्यक्ति। फेमिनिन मतलब क्या होता है, पारिवारिक व्यक्ति। अगर आप पारिवारिक व्यक्ति की सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगे तो आपका जीवन जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, मतलब ड्रॉट हो जाएगा, यानी कि आपके जीवन में क्या आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। आप मान लीजिए कि आपकी फैमिली में जो भी व्यक्ति है, पारिवारिक व्यक्ति जो भी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, खर्चा करवाने के लिए आपको तैयार रहते हैं। अगर आप सभी को क्या करेंगे, सभी को
लोग वर्ड लेते हैं फैमिन। फैमिन मतलब क्या होता है? ड्रॉट, ड्रॉट या अकाल, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिया है फेमिनिन। फेमिनिन मतलब क्या होता है? पारिवारिक व्यक्ति। अगर आप पारिवारिक व्यक्ति क्या सारे खर्च उठाने लगे, यानी कि आपके परिवार के जितने भी डिमांड है सब कुछ आप पूरा करने लगे, तो आपका जिंदगी में आ जाएगा अकाल, ड्रॉट, यानी आपके पास रहेगा कुछ भी नहीं, है ना। तो फेमिनिन, फेमिन मतलब होता है अकाल, फेमिन मतलब अकाल। अगर फेमिनिन क्या जो है, सारे अगर खर्चे आप मतलब सारे जो मतलब पूर्ति करने लगे, सारी इच्छाएं पूर्ति करने लगे, तो आपके जीवन में आ जाएगा फेमाइन। फेमिन मतलब होता है अकाल, फेमिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फेमिन। फेमिन मतलब क्या होता है? अकाल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं लैसीरेट। लैसी, लैसीरेट, है ना। लैसीरेट मतलब क्या होता है? लैसीरेट मतलब होता है धारदार कोई वस्तु हुआ है उसे किसी को काटना, है ना, धारदार चीज से काटना। अब कैसे इसको याद रखेंगे? हम लोग जानते हैं कि जूते का जो होता है लेस होता है वो बहुत ही धारदार होता है ना। रात में किसी को आप क्या कर रहे हैं, उस मतलब लेस से, लेस, है ना, लेस से रात में किसी को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो क्या कहेगा कि वो धारदार चीज से, यानी कि जो आपका लेस है, लेस, लेस से क्या कर रहे, काट रहे, तो क्या कर रहे, धारदार चीज से काट रहे, तो यानी लेस से आप किसी को रात में काट रहे हैं, तो लेसरेट कर रहे हैं। लेसरेट कर रहे हैं मतलब आप किसी को रात में क्या कर रहे हैं, लेसरेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप कहेंगे कि मैंने किसी को धारदार चीजों से क्या किया, उसको गला काट दिया, तो इसके बदले में आप कह सकते हैं कि मैंने किसी को लेसरेट किया। लेसरेट किया मतलब मैंने उसको लेसरेट किया, मतलब धारदार चीजों से मैंने उसका काट, मतलब गला काट दिया, है ना। लेसरेट किया, लेसरेट मतलब होता है धारदार चीजों से काटना, है ना, धारदार चीज से काटना। या फिर लेसरेट मतलब होता है कि क्या करना, आलोचना करना, आलोचना करना भी होता है। आपके रेट, यहाँ पर लेट रेट, और यहाँ पर क्या है, लेस, है ना। अब मतलब हम लोग जानते हैं कि जूते का जो लेस होता है वो कम कीमत का होता है, मान लीजिए 10 रुपये का होता है या 20 रुपये का होता है, लेकिन उस रेट को कोई बढ़ा के कहता है कि 200 रुपये का है, 500 रुपये का है, 1000 रुपये का है, तो उस लेस का रेट ज्यादा बढ़ाने के कारण से मैंने उस बेचने वाले की क्या किया, आलोचना किया है। मैंने उस बेचने वाले की क्या किया है, आलोचना किया है। लेस प्लस रेट, रेट ज्यादा हो, लेस का रेट ज्यादा रखने के कारण से मैंने उसकी आलोचना किया है ना। या फिर लेस और फिर रेट, रेट को रात से जोड़ेंगे, लेस रेट, रेट मतलब रात में मैंने किसी का गला लेस से काट दिया, तो लेस रेट कर दिया। मैंने किसी का गला क्या किया, लेसरेट कर दिया, मतलब धारदार चीज से काट दिया, है ना। तो लेसरेट मतलब क्या होता है, धारदार चीज से काटना या फिर आलोचना करना, है ना। लेस का रेट ज्यादा रखने के कारण से मैंने क्या किया, उसकी आलोचना की, है ना। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट, है ना। नेम एक हम लोग वो याद रखेंगे, लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है? लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है, आलोचना करना। लैम्बेस्ट मतलब होता है आलोचना करना, है ना। अभी भी मैंने क्या कहा, लेसरेट मतलब क्या होता है, आलोचना करना भी होता है, और लेसरेट मतलब क्या होता है, धारदार चीज से काटना होता है लेसरेट। अभी मैं कह रहा हूँ लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है, आलोचना करना। अब मान लीजिए कि अभी प्राइवेट स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं, तो आपके अब तो गवर्नमेंट स्कूल में भी हो गया है कि आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपके बस्ते आपके वजन से भी ज्यादा रहता है, तो ये लंबे लंबे बस्ते जो है, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट इसको याद रखने का तरीका है, लंबे लंबे बस्ते, क्योंकि आपके जो लंबे लंबे बस्ते होते हैं उसके कारण से जो स्कूल की होती है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम की होती है उसकी आलोचना की जाती है। लैम्बेस्ट मतलब होता है आलोचना करना, लंबे बस्ते के कारण से स्कूल की या फिर होता है एजुकेशन सिस्टम की क्या कर रहे हैं हम लोग, आलोचना कर रहे हैं। लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है, आलोचना करना, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं रेस्टिव। क्या लेते हैं? रेस्टिव, है ना।
रेस्टिव, रेस्टिव मतलब क्या होता है? रेस्टिव मतलब होता है बेचैन, बेचैन या अशांत, बेचैन या अशांत। इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, इसको याद रखने का तरीका है अशांत या बेचैन। रेस्ट इसको मान लीजिए कि इसको बोलिए रेस्ट, और प्लस बोलिए ईव, है ना। ईव मतलब होता है मैंने, ईव मतलब आप जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है मैंने, है ना। तो मैंने रेस्ट नहीं किया, ईव, रेस्ट प्लस ईव, ईव मतलब मैंने, मैंने रेस्ट नहीं किया, इसलिए मेरा जो मन है वो बेचैन है, अशांत है। रेस्ट प्लस ईव, मैंने रेस्ट नहीं किया इसलिए मेरा जो है मन अशांत है, रेस्टिव है। मैंने रेस्ट नहीं किया इसलिए मेरा दिमाग, मेरा जो मन है वो रेस्टिव है। रेस्टिव मतलब बेचैन है, अशांत है। बेचैन और अशांत मतलब रेस्टिव, है ना। रेस्टिव मतलब बेचैन या अशांत है ना। रेस्टिव, मैंने रेस्ट नहीं किया इसलिए मेरा मन क्या है, अशांत है। REST, रेस्ट, IVE, रेस्टिव, रेस्ट प्लस ईव, रेस्टिव। रेस्टिव मतलब बेचैन या अशांत होते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, है ना, टिरेनी। टिरेनी है ना, प्रोनाउंसिएशन टिरेनी। टिरेनी मतलब होता है अत्याचार, है ना, अत्याचार, और या फिर निरंकुश। क्या होता है? अत्याचार या फिर निरंकुश। कैसे याद रखेंगे इसको? टिरेनी, है ना, तेरी रानी, टिरेनी, है ना, टी रेनी मतलब इसको जोड़ेंगे कैसे? तेरी रानी, है ना, तेरी रानी तुम पे क्या करती है? अत्याचार करती है ना। या तेरी रानी क्या है? निरंकुश है ना। तेरी रानी समझ लीजिए आप, यहाँ पे हम लोग किससे जोड़ेंगे? वाइफ से जोड़ेंगे। तो लोग क्या कहते हैं? मेरी वाइफ जो है बहुत ही खड़ूस है या निरंकुश है ना, वो मुझ पे क्या करती है? अत्याचार करती है ना। तो तेरी रानी, है ना, टी रानी, है ना, तेरी रानी, टी रानी, है ना, तेरी रानी मतलब होता है, तेरी रानी मतलब अत्याचार या निरंकुश। टी रानी मतलब अत्याचार या निरंकुश। टी वाई टी आर, आर ए डबल एन वाई, टी एन ई मतलब क्या होता है? अत्याचार या निरंकुश। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, चौविनिस्टिक। चौविनिस्टिक है ना, चौविनिस्टिक मतलब क्या होता है? चौविनिस्टिक, चौविनिस्टिक है ना। चौविनिस्टिक मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी, है ना, चौविनिस्टिक, है ना। हम लोग जैसे कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या है? राष्ट्रवादी है। कांग्रेस के जो मतलब लोग हैं वो क्या है? चौविनिस्टिक है, मतलब राष्ट्रवादी है। तो चौविनिस्टिक को कैसे याद रखेंगे? चौमीन, है ना, चौमीन जो खाने वाले लोग हैं वो क्या है? चौविनिस्टिक नहीं है। चौमीन खाने वाले लोग चौविनिस्टिक नहीं है। वो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि चाइना से जो तो ये प्रोडक्ट आए हुए और ये आते हैं, तो जो चाइना का प्रोडक्ट खाता है वो क्या चौविनिस्टिक होगा? नहीं होगा। तो कहते हैं जो चाइना का जो सामान खाता है या चौमिन खाता है, चौमिन खाता है तो चौविनिस्टिक है ना। चौविनिस्टिक नहीं है। जो चौमिन खाता है या मोमोज खाता है, चौमिन बर्गर और मोमोज खाने वाले चौविनिस्टिक होंगे? नहीं है। चौविनिस्टिक होंगे? नहीं है। चौविनिस्टिक मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, मौकिस। मौकिस है ना, मौकिस मतलब क्या होता है? मौकिस, मौकिस मतलब होता है सेंटिमेंटल। इसका हम लोग सिनोनिम वर्ड लेंगे तो क्या लेंगे? सेंटिमेंटल, है ना, सेंटिमेंटल, है ना, मतलब क्या हो गया? अति भावुक, है ना, अति भावुक, है ना, मौकिस, है ना, मौकिस। माओ से हम लोग कहते हैं मदर, यानी माँ का जो है क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किस, माँ का जो किस होता है। आप लोग जब गांव से आते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं हम लोग, तो माँ क्या करती है? किस करती है। तो वो किस से हम लोग क्या कहते हैं? अति भावुक हो जाते हैं, यानी कि रोने लगते हैं। माँ भी रोने लगती है और बच्चे भी रोने लगते हैं, बेटे हो या बेटियां रोने लगती है, वो अति भावुक हो जाती है ना। तो वो जो क्षण होता है वो क्या होता है? अति भावुक क्षण होता है, यानी कि हम लोग कहते हैं मौ किस,
जो माँ का किस था वो क्या कर दिया, अति भावुक कर दिया, मौखिस कर दिया, है ना। माँ का जो किस था, माँ जो किस किया वो क्या था, मौखिस था, मौखिस था, मौखिस मतलब सेंटिमेंटल था या अति भावुकपन था, है ना। अति भावुक मतलब, मौखिस मतलब होता है अति भावुक, है ना। मौखिस मतलब क्या हो गया, अति भावुक। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं मैसेकड़े, है ना। मैसेकड़े मतलब क्या होता है, मैसेकड़े, है ना, मांस और एकड़, है ना, मांस और एकड़। मास लेवल पर कई एकर्स में जो होता है लोगों की हत्या कर दी गई है ना, मास लेवल पे, है ना, कई एकड़ में लोगों की हत्या कर दी गई है। तो ये मैसेकड़े मतलब होते हैं जो हत्याकांड होता है, क्या होता है, मैसेकड़े मतलब क्या होता है, हत्याकांड, है ना। इसका एक सिनोनिम वर्ड हम लोग लेंगे तो क्या होगा, कार्नेज। कार्नेज मतलब कार, जो कार थे, कार से कई एज के लोगों को, कार्नेज यानी कि कार से कई एज के लोगों को मार दिया गया है। तो मार दिया गया तो ये क्या है, एक कार्नेज है, कार से कई एज के लोगों को मार दिया गया है, ये क्या है, कार्नेज है। कार्नेज मतलब एक हत्याकांड है, मास लेवल पर। मास लेवल पर मतलब एक दो लेवल पर नहीं, हजारों की संख्या में कई एकड़ में लोगों को क्या करा दिया गया, मार दिया गया, ये क्या है, एक हत्याकांड, मतलब एक हत्याकांड है, क्या है, मैसेकड़े है। मैसेकड़े मतलब क्या होता है, हत्याकांड होता है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पेरिस, है ना। पेरिस मतलब क्या होता है, पेरिस, है ना, पेरिस मतलब होता है टू डाई, मर जाना, टू डाई, है ना, टू डाई मतलब क्या होता है, मर जाना, है ना, मर जाना, है ना, मर जाना, मर जाना, मर जाना। पेरिस मतलब क्या था, टू डाई या फिर मर जाना, है ना, कैसे याद रखेंगे, मर जाना, पेरिस, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना। पेरिस में जिस तरह से टूरिस्ट लोग जा रहे हैं तो पेरिस का खत्म होना ये संभव नहीं है, पेरिस खत्म हो जाएगा ये संभव नहीं है। अभी हम लोग कहते हैं मालदीव वाली घटना है ना, मालदीव वाली घटना में कहते हैं टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद बंद हो जाएंगे, हो सकता है कि उसके टूरिस्ट ना जाने के कारण से उसकी अर्थव्यवस्था मर जाए, है ना। लेकिन पेरिस की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि उसके टूरिस्ट लोग वहां पे बहुत ही आते हैं। तो पेरिस मतलब होता है मर जाना, नहीं मरेगी, यानी पेरिस की अर्थव्यवस्था नहीं मरेगी, नहीं मरेगा, है ना। तो पेरिस की अर्थव्यवस्था नहीं मरेगा, तो पेरिस मतलब, पेरिस मतलब तो मर जाना, लेकिन यहाँ पे नहीं मरेगा, है ना। पेरिस मतलब होता है मर जाना, लेकिन यहाँ नहीं मरेगा, पेरिस, पेरिस मतलब मर जाना, है ना। हम नेक्स्ट जो वर्ड है वो शुरू करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्प्रूस, है ना, SPRUCE, स्प्रूस मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, है ना, साफ सुथरा, कैसे याद रखेंगे इसको, साफ सुथरा को कर दे साफ सुथरा, हम भी कर रहे थे अभी साफ सुथरा। स्प्रूस मतलब देखिए, जो रूस के लोग होते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं कि इंडिया से ज्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, अब ठंड में इतने लोग निकलेंगे नहीं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे, है ना, इसको याद रखेंगे, स्प्रे यूज इन रसिया, स्प्रे यूज इन रसिया, है ना, यूज इन रसिया फॉर व्हाट, क्लीननेस, है ना, साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं वो लोग, स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे, स्प्रूस, स्प्रूस, स्प्रूस याद रखने के लिए, स्प्रे और रूस, स्प्रे और रूस, रूस में लोग साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे के यूज करते हैं, स्प्रूस मतलब होता है साफ सुथरा, स्प्रूस मतलब होता है साफ सुथरा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं सिलेंडर, है ना, सिलेंडर मतलब क्या होता है, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब होता है निंदा करना, क्या करना, निंदा करना,
कैसे याद रखेंगे निंदा करना को, है ना? इसको सिलेंडर को सैलेंडर से जोड़ेंगे, है ना? सैलेंडर ने सिलेंडर को महंगे दामों में बेचा, है ना? मान लीजिए कि आपके जो गैस वाले हैं उसका नाम सैलेंडर है, और सैलेंडर जो है सिलेंडर अगर महंगे दाम में बेचेगा तो आप उसका क्या करेंगे, उसको प्यार करेंगे? नहीं, निंदा ही करेंगे ना। तो सिलेंडर मतलब होता है सिलेंडर, सैलेंडर ने सिलेंडर को महंगे दामों में बेचा, इसलिए मैं उसका क्या कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? सिलेंडर यानी निंदा करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पड़ी, है ना? PARRY, पड़ी मतलब क्या होता है? सिनोनिम वर्ड हम लोग देखेंगे तो ये होता है अवॉइड करना या टालना। क्या करना? टालना या फिर बचना, है ना? मान लीजिए कि कोई पड़ी जैसी लड़की है, पड़ी मतलब बहुत ही सुंदर जो लड़की है, वो क्या करती है, उन लड़कों को टालती है जो अपने जिंदगी में सीरियस नहीं होता है, या फिर जिंदगी में हमेशा जो होता है ना वो क्या करता है, जिंदगी के मजे लेता रहता है, जिंदगी के मजे लेता रहता है, उसको क्या करते हैं, वो टालती है। पैड़ी मतलब होता है पैड़ी, पैड़ी मतलब होता है अवॉइड करना या टालना या बचना, उस लड़के से वो पड़ी यानी कि जो बचती रहती है। पड़ी नाम की जो लड़की होती है वो ऐसे लोगों से हमेशा बचती रहती है जो अपने जिंदगी को मजाक बना के रखा है ना? तो पड़ी से मतलब दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो इस ऐसे लड़कों से क्या करती है, पेड़ी पड़ी करती है, पड़ी मतलब अवॉइड करती है, बचती है ना, उसको पड़ी करती है मतलब पड़े करती है, पड़े मतलब टालना, पड़े करना टालना, है ना? पड़ी 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 मतलब होता है अवॉइड करना या टालना, है ना? नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? बिक्वेथ, है ना? BQUETH, है ना? बिक्वेथ, बिक्वेथ मतलब क्या होता है, बिक्वेथ मतलब होता है क्या करना, वसीयत, है ना? क्या करना, वसीयत, है ना? वसीयत करना, बिक्वेथ करना, है ना? अब जैसे कि बिक्वेथ करना है बेकार, इसको हम लोग कहते हैं बेकार जोड़ने के लिए, बेकार बेकार, बेक्विथ बेक्विथ, है ना? बेक्विथ बेकार था, क्या था? बेकार था क्या? विक्विथ यानी वसीयत, है ना? बेकार था विक्विथ, है ना? या फिर इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए EATH ओएथ मान लीजिए, और BQ मतलब बेकार, बेकार था आपका ओएथ, है ना? क्योंकि आपने जो बिक्यूथ किया वो हमारे नाम से नहीं किया, बिक्यूथ मतलब क्या होता है, वसीयत, है ना? बिक्यूथ बेकार था आपका ओएथ, बिक्यूथ बेकार था आपका ओएथ, क्योंकि आपने जो मेरे नाम का विल किया यानी वसीयत किया वो क्या था, बिक्यूथ था, बिक्यूथ मतलब जो किया वो क्या था, मतलब बेकार था, बिक्यूथ क्या था, बेकार था, है ना? तो बेकार था आपका हर चीज, बेकार था, बिक्यूथ, है ना? बिक्यूथ मतलब होता है वसीयत। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग वर्ड लिंग, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है, विलंब करना मतलब लेट करना, विलंब करना, कैसे याद रखेंगे, विलंब करना या लेट करना, तो प्रोक्रेस्टिनेट। मान लीजिए कि टीना, है ना? टीना नाम की कोई लड़की है, टीना नाम की लड़की है, प्रोक्रेस्टिनेट प्रोक्रेस्टिनेट, पूरा कैश लेके टीना जो है क्या की, चली गई। अब क्या कर रही है, वो लेट आ रही है, विलंब कर रही है आने में, वो क्या कर रही है, लेट कर रही है। पूरा कैश लेके टीना चली गई और अब आने में क्या कर रही है, विलंब कर रही है। मान लीजिए कि आपकी पूरा मतलब जो होता है ना, टीना नाम की कोई लड़की है जो आपकी जो है वाईफाई या कुछ है, आप कहते हैं कि पूरा कैश लेके टीना चली गई, अब वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो अब उसको क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है ना?
प्रोक्रेस्टिनेट, पूरा कैश लेके टीना चली गई। अब वह क्या कर रही है, विलंब कर रही है, या तो देने में विलंब कर रही है या लेके आने में विलंब कर रही है। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, पूरा कैश लेके टीना क्या कर रही है, अब विलंब कर रही है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है। लोग देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट, पूरा कैश लेके टीना जो है क्या कर रही है, अब विलंब कर रही है, या तो देने में विलंब कर रही है या लेके आने में विलंब कर रही है। पूरा कैश तो अब टीना लेके चली गई, तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब पूरा कैश टीना लेके चली गई। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है विलंब करना, है ना। अब क्या कर रही है, देने में विलंब कर रही है या फिर लेके आने में विलंब कर रही है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है विलंब करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं ब्रॉबिट, है ना। ब्रॉ बीट, ब्रॉ बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब धमकाना, क्या करना, धमकाना, है ना। मान लीजिए ब्रो को हम लोग लीजिए आईब्रो, है ना। महिला लोगों का सबसे प्रेमी चीज क्या होती है, आईब्रो, है ना। और आईब्रो को किसी ने कर दिया बीट, मतलब उसको कर दिया है बीट, मतलब साफ कर दिया है। तो जब महिलाओं का आईब्रो कर दिया है बीट, तो महिला क्या कर रही है, उसको धमका रही है ना, कि मैं तुम्हें देख लूंगी, है ना, अगले बार से नहीं आऊंगी, तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो मान लीजिए कि महिला गई है आईब्रो बनवाने के लिए, उसको आईब्रो को कर दिया है बीट, मतलब हम लोग बीट जानते हैं ना, बीट, तो आईब्रो को कर दिया है बीट, इसीलिए वो क्या कर रही है, ब्रोवीट, उसको क्या कर रही है, ब्रोवीट कर रही है, धमका रही है। ब्रोवीट मतलब होता है धमकाना, ब्रोवीट मतलब क्या होता है, धमकाना, ब्रोबीट मतलब क्या होता है, ब्रोबीट मतलब क्या होता है, धमकाना, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्रो और ब्रो को कर दिया बीट, मतलब ब्रो को किसी ने बीट किया, तो आप उसको जाके क्या करेंगे, धमकाएंगे, तो ब्रो बीट करेंगे, है ना। ब्रो बीट मतलब क्या होता है, धमकाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं रैम्पेंट, है ना। रैम्पेंट मतलब क्या होता है, रैम्पेंट ये होता है तेजी से फैलना, रैम्पेंट मतलब होता है तेजी से फैलना, है ना। रैम्पेंट मान लीजिए कि कोई बीमारी होती है और वो तेजी से फैलती है, तो हम लोग कहते हैं ये डिजीजेस क्या है, रैम्पेंट है, मतलब तेजी से फैलने वाली बीमारी है, रैम्पेंट बीमारी है। क्या, राम का पेंट हमेशा भागता ही रहता है, मान लीजिए राम का जो हाइट है वो क्या कर रहा है, मतलब तुरंत तुरंत इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं रैम का जो पेंट है वो तेजी से क्या कर रहा है, फैल रहा है, तो तेजी से फैलना, रैम्पेंट, राम का पेंट हमेशा तेजी से फैलता है, तो रैम्पेंट मतलब क्या होता है, तेजी से फैलना, या अनियंत्रित, अनियंत्रित, है ना, इसको कहते हैं रैम्पेंट, है ना, अनियंत्रित। मान लीजिए कि हम कहेंगे कि राम को अगर तुम दोगे पेंट करने के लिए, तो राम क्या करेगा, पेंट करना शुरू करेगा, तो कभी जो तेरे कंट्रोल ही नहीं होगा, मान लीजिए वो करना शुरू करेगा तो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। राम को अगर पेंट दीजिए करने के लिए, तो राम पेंट करेगा, अनियंत्रित तरीके से करेगा, है ना, राम पेंट। कोई बीमारी है वो हमेशा मतलब जो तेजी से फैल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये रैम्पेंट बीमारी है, तेजी से फैलने वाली बीमारी है, तो रैम्पेंट मतलब होता है तेजी से फैलना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इरेसिबल, क्या होता है इरेसिबल, इरेसिबल मतलब क्या होता है, इरेसिबल मतलब होता है क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा, क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा, इरेसिबल मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना, चिड़चिड़ा होता है, या क्रोधी होता है, या गुस्सा वाला होता है ना, इरेसिबल। और इसको हम लोग हॉट टेम्पर्ड, अगर सिनोनिम वर्ड लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हॉट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, गर्म मिजाज, है ना, हॉट टेम्पर्ड, या कॉलेरिक, कॉलेरिक मतलब भी होता है, क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा, है ना, गुस्सा वाला, कॉलेरिक। तो सबसे पहले हम लोग कहते इरेसिबल, कैसे याद रखेंगे, इरेसिबल। मान लीजिए कोई राशि के जो लोग हैं वो क्या है, हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं, क्रोधी रहते हैं, हॉट टेम्पर्ड रहते हैं, हम क्या कहेंगे, इस राशि के जो लोग हैं इरेसिबल है। यह क्या है, इस मान लीजिए कि वो इंटरव्यू देने गया है, तो हम कहेंगे कि आप हमारे मतलब जो है कंपनी के लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस राशि के जो लोग हैं
ये इरेसिबल होते हैं, इरेसिबल होते हैं, इरेसिबल होते हैं, है ना। इस राशि के लोग क्या होते हैं, इरेसिबल होते हैं, इरेसिबल होते हैं। इरेसिबल मतलब चिड़चिड़ा होते हैं, क्रोधी होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, क्लोरिक कहते हैं, तो ये हम लोग इरेसिबल है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं क्रॉस, है ना। क्रॉस मतलब क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है, दावत देना, है ना, दावत देना, क्रॉस मतलब दावत देना। कैसे याद रखेंगे, आप मान लीजिए लिए है कार और प्लस लिए है हॉर्स, है ना, आप लिए है कार और साथ में लिए है हॉर्स, तो आप कर रहे हैं क्रॉस, आपने एक दावत दिया, ऐसा दावत जिसमें कि हल्ला फसाद शोर शराबा नॉइजी वाला, तो अ नॉइजी लाइवली ड्रिंकिंग पार्टी जो हम लोग कहते हैं, अ नॉइजी लाइवली ड्रिंकिंग पार्टी जो हम लोग कहते हैं, वो होता है क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है, दावत देना, है ना, क्रॉस मतलब दावत देना, है ना। हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कंट्राइट, क्या होता है कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब होता है, कॉन्ट्राइट मतलब होता है पछताया हुआ, कंट्राइट। क्या होता है कंट्राइट, है ना, कंट्राइट को कैसे याद रखेंगे, इसको होता है पछताया, यानी कि पछताया हुआ, पछताया हुआ, या फिर मनोव्यथित, है ना, मनोव्यथित। इसको ऐसे इतना हिंदी सही नहीं है मनोव्यथित याद करने का, पछताया कंट्राइट। ऐसा मान लीजिए ना, कोई डायरेक्शन मतलब कोई जो है डिसीजन लिया, मान लीजिए कि मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया, कंट्री जाए राइट डायरेक्शन में, कंट्राइट, कंट्री जाए राइट डायरेक्शन में, लेकिन कंट्री जा रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, तो कंट्री अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो इसके लिए मोदी जी क्या करेंगे, कंट्राइट करेंगे, मतलब पछतावा करेंगे, पछतावा, कंट्राइट मतलब होता है पछतावा, है ना, कंट्राइट मतलब क्या होता है पछतावा, है ना, कंट्राइट मतलब क्या होता है पछतावा, कंट्राइट मतलब क्या होता है पछतावा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं गलीबल, गली, गलीबल मतलब क्या होता है, गलीबल मतलब होता है आसानी से धोखा, धोखा खाने वाला जो होता है ना, आसानी से, आसानी से धोखा, है ना, धोखा खाने वाला, है ना, खाने वाला। कैसे याद रखेंगे, गली बल, मान लीजिए गली, और बल मतलब मान लीजिए लड़के, है ना, गली के लड़के, गली बल, बल मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारे पास बहुत बल है, हमारे पास बहुत आदमी है, तो हमारे पास बहुत बल है, तो गली के जो बल है मतलब गली के जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, किसी से आसानी से धोखा खा जाते हैं, है ना, वो किसी पे तुरंत विश्वास करते हैं, गली बल है मतलब धोखा तुरंत, यानी किसी पर आसानी से जो होते ना धोखा खाने वाले लोग हैं, तो गली वाले, गली के जो लड़के हैं जो मतलब सिंपल लोग हैं वो क्या है, गली वाले, आसानी से धोखा खाने वाले लोग हैं, तो गली बल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, गली बल, गली, गली मतलब हम लोग जानते हैं गली, गली स्ट्रीट, है ना, तो जो गली है, गली का जो हम लोग कहते हैं बल है, यानी कि जो लड़के हैं वो क्या है, गली बल है, आसानी से धोखे खाने वाले लोग हैं, गली बल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं मिंगल, है ना, मिंगल मतलब क्या होता है मिल जाना, है ना, पहले हम थे सिंगल अब हो गए मिंगल, जब से हम दोनों मिले हैं क्या हो गया, मान लीजिए कोई लड़का है और कोई लड़की है, दोनों है सिंगल, बाद में मिलकर एक डिसीजन लिया कि चलो हम लोग हो जाते हैं मिंगल, मिंगल मतलब होता है मिल जाना, है ना, याद रह जाएगा आप लोगों को, कैसे हम दोनों थे पहले सिंगल, दोनों मिल लिए और फिर डिसीजन लिए कि हम हो जाएंगे अब मिंगल, है ना, तो सिंगल से हो गए अब मिंगल, मिंगल इसका सिनोनिम वर्ड हम लोग मिक्स टुगेदर मिला देंगे, है ना, एक साथ मिला देंगे, है ना, टुगेदर, मिक्स टुगेदर मतलब क्या होता है मिंगल, है ना, तो हम लोग कहते हैं इसको मिंगल, सिंगल से दो जब सिंगल मिल जाते हैं तो हो जाते हैं क्या मिंगल,
दो सिंगल मिल जाने पर क्या होते हैं, मिंगल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कियोस्क। कियोस्क मतलब होता है स्टॉल या फिर बूथ, छोटा सा, है ना, छोटी दुकान, फीकी पकवान, छोटा दुकान, स्टॉल या बूथ, कियोस्क, है ना, कियोस्क, है ना। कहाँ करवाया तूने ओएस, कहाँ करवाया तूने ओएस को अपडेट। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए कि हमें हमारे मतलब लैपटॉप में था विंडोज 7, हमने करवाया विंडोज 10, तो कहाँ, मतलब मेरे दोस्त पूछ रहा है कहाँ से तू करवाया, क्या करवाया, कौन सी बूथ से या कि कौन से स्टॉल से तूने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है, क्या किया मतलब अपडेट किया है। तो कियोस्क मतलब होता है स्टॉल, कौन से स्टॉल से, कौन से कियोस्क से, कियोस्क, किया, है ना, किया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, कियोस्क, तुमने कौन से कियोस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, तुमने कौन से कियोस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, तुमने कौन से कियोस्क से किया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, कियोस्क से क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं पेरिलश। पेरिलश मतलब क्या होता है, पेरिलश, पेरिलश मतलब क्या होता है, डेंजरस, क्या होता है ना, डेंजरस, डेंजरस कैसे याद रखेंगे, पड़ी, है ना। मान लीजिए परी नाम की कोई लड़की है और लड़की को अगर लॉस लग जाए, लड़के लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं भैया, लड़के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो परी नाम की लड़की है इसको लग गया लॉस, और जब से लॉस लगा वो डेंजरस हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि परी से किसी ने 1,000 रुपया ले लिया, परी से किसी ने 1,000 रुपया ले लिया, अब वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो परी को हो गया लॉस, जैसे ही पड़ी को हो जाएगा लॉस, पड़ी बन जाएगी डेंजरस, क्या बन जाएगी, डेंजरस बन जाएगी ना, वो किसी को देगी नहीं, पहले तो दे देती थी, आप मांगे या कोई मांगे दे देती थी, अब जब से उसको लगा है लॉस, पड़ी बन गई है डेंजरस। पेरिलस मतलब होता है डेंजरस, क्या होता है, डेंजरस। पेरिलस मतलब क्या होता है, डेंजरस। पेरिलस मतलब क्या होता है, डेंजरस, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं ऑर्टरेजियस। ऑर्टरेजियस मतलब क्या होता है, ऑटरेजियस मतलब, ऑटरेजियस, ऑटरेजियस मतलब होता है अपमानजनक, क्या होता है, अपमानजनक, है ना, अपमानजनक, है ना। जैसे हम लोग 3 इडियट मूवी में देखते हैं, जब प्रोफेसर साहब जो नेताजी आते हैं तो क्या कहते हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, कैसी ऑटरेजियस बातें कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, ऑट प्लस राज प्लस अस, आउटरेजियस, है ना, आउट राज, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, है ना। तो सपोज इट मान लीजिए कि राज बड़ो संस्कारी लड़का है, तो हम राज को क्या कह रहे हैं कि आउट, आप हो जाओ आउट, बाहर हो जाओ, आप राज नाम का जो लड़का है उसको कह रहे हैं कि आप हो जाओ आउट, क्योंकि यूएस अस मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, अपमानजनक बातें करेंगे, ऑटरेजियस, ऑटरेजियस, ऑटरेजियस मतलब क्या होता है, अपमानजनक, याद करने का तरीका ऑटरेजियस, 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 ऑटरेजियस मतलब क्या होता है, अपमानजनक, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं ये, कैसे ऑटरेजियस बातें कर रहे हैं, ऑटरेजियस मतलब क्या होता है, अपमानजनक, ऑटरेजियस, ऑटरेजियस, ऑटरेजियस मतलब अपमानजनक, कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हैं। तो ऑटरेजियस मतलब क्या होता है, ऑटरेजियस मतलब क्या होता है, अपमानजनक, है ना। हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, ये है सेसेशन, है ना। सेसेशन मतलब क्या होता है, सेसेशन मतलब होता है विराम, है ना, विराम, या फिर होता है अंत, है ना, कैसे याद रखेंगे, विराम या अंत, है ना। मैंने जब एक बार पढ़ाना शुरू किया तो हमने एक ओथ ली थी, कि ओथ मैं ये लिया था कि 100 सेशन होने के बाद ही मैं क्या करूंगा, विराम लूंगा, 100 सेशन होने के बाद मैं क्या करूंगा, विराम ले लूंगा। तो 100 सेशन, इसको जोड़ो 100 सेशन, है ना, 100 सेशन, 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 है ना, 100 सेशन,
सेसेशन है ना, सेसेशन मतलब होता है विराम या अंत, सौ सेशन या सेसेशन है ना, सेसेशन मतलब क्या होता है विराम या अंत है ना, सेसेशन CESATION सेसेशन मतलब क्या होता है विराम या अंत है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं परपिचुअल, क्या होता है परपिचुअल है ना, परपिचुअल याद करने, इसका परपिचुअल मतलब होता है लगातार है ना, लगातार लगातार आपका रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार आपका रेट जो है परपिचुअली योर रेट इंक्रीजिंग डे बाय डे है ना, परपिचुअली है ना, परपिचुअली मतलब लगातार, परपिचुअली योर रेट है ना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, परपिचुअल मतलब लगातार, परपिचुअल मतलब लगातार। इसको याद करने के लिए करेंगे पर और प्लस पेट है ना, पर पेट आप क्या करें मतलब मेरे यहाँ भेजते रहे लगातार आप पर पेट मतलब होते प्रत्येक आदमी को, सभी लोगों को जो है खाना आप भेजते रहे तो परपिचुअल लगातार आप भेजते रहे है ना। मैं अगर किसी होटल वाले को कहता हूँ कि आप मेरे को यानी पर पेट जो है वो खाना भेजते रहो पर पेट, तो वो लगातार होगा, लगातार भेजते रहो पर पेट तुम मुझे खाना लगातार भेजते रहो, पर पिचुअल है ना, परपेचुअल है ना, परपेट मतलब लगातार, परपेट मतलब लगातार, परपिचुअल मतलब लगातार है ना, परपेट तुम मुझे खाना लगातार भेजते रहो, परपिचुअल मतलब क्या हो गया लगातार है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं केओस, केओस मतलब होता है उथल पुथल, केओस है ना, केओस मतलब क्या होता है उथल पुथल, कैसे याद रखेंगे उथल पुथल को, केओस हम लोग जानते हैं ये ओस जो होता है, ओस मान लीजिए कि आप ओस को ड्यू है ना, इंग्लिश मीडियम वाले ड्यू कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जब ड्यू कहीं पर भी आपके चाहे गांव में हो चाहे आपके शहर में, जब पूरे शहर ओस से यानी कि क्या होता है घिरे होते हैं, ड्यू से घिरे हुए होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे शहर में क्या मच जाता है, केओस मतलब उथल पुथल मच जाता है, कि मतलब उस डायरेक्शन से नहीं जाएंगे इस डायरेक्शन से जाएंगे, या फिर हम लोग कहते हैं कि मतलब जब कोहरा छाता है तो क्या होता है गाड़ी का जो डायरेक्शन होता है वो मतलब गाड़ी का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, और फिर जो होता है ट्रैफिक व्यवस्था में क्या होता है उथल पुथल मच जाती है, के ओस है ना, मतलब केओस, केओस मतलब क्या होता है उथल पुथल है ना, ओस के कारण से। अब याद करने के लिए हम लोग याद करेंगे के ओस है ना, के ओस, ओस मतलब हम लोग जानते हैं ड्यू, ओस के कारण से क्या होता है हमारे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था क्या हो गया उथल पुथल हो गया, केओस मतलब होता है उथल पुथल है ना। एक्वेंट नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, यानी कि AQUAINT, एक्वेंट मतलब क्या होता है, एक्वेंट मतलब होता है परिचित करना, परिचित कराना, परिचित कराना। सपोज इट मान लीजिए कि आप हैं एक्वागार्ड में है ना, क्या है एक्वागार्ड में, एक्वागार्ड में है जो आंटी है यानी एंट मतलब आंटी, आंटी जो है एक्वागार्ड में जो काम करने वाली आंटी है वो हमें क्या कर रही एक्वागार्ड से यानी कि एक्वागार्ड से हमें परिचित करवा रही है, वो क्या मतलब बताएगी कि ये जो है इतने लेयर का जो है वो क्या है सेफ्टी जो है मेटल है यूज किया गया है इसमें, आप क्या कीजिए इसको खरीदिए आपको पानी जो देने प्योर मिलेगा, एक्वेंट करवा रही है, क्या करा रही है एक्वेंट करा रही है, जो मतलब आंट है क्या है आंट है वो क्या कर रही है एक्वा, एक्वा से हमें क्या करवा रही है एक्वेंट करवा रही है, आंट जो है एक्वा से क्या करवा रही है एक्वेंट करवा रही है, परिचित कराना है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं क्वेंट, यानी कि क्वेंट है ना, QUAINT, क्वेंट मतलब होता है अनूठा, अनूठा या अनोखा है ना, अनूठा या फिर अनोखा है ना, अनोखा, इसको कैसे याद रखेंगे आंट है ना,
हम लोग इसमें भी एक्वेंट में भी याद रखे हैं, एक्वा से हमें एंट क्या करवा रही है, परिचित करवा रही है, परिचित कराना, एक्वेंट एक्वेंट करवा रही है। और ट्वेंट मतलब होता है अनूठा या फिर अनोखा। हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आंटी हमें आज बहुत सुंदर लग रही है, तो हम कहेंगे कि आंट आज क्यों आंट जो है हमें अनूठा या अनोखा लग रही है, क्यों आंट आज हमें क्यों आंट जो है अनूठा या फिर अनोखा लग रही है। क्वेंट मतलब क्या हो गया, अनूठा या अनोखा, क्यों आंट है ना, क्यों आंट जो है हमें क्या लग रही है आज, अनूठा लग रही है फिर अनोखा लग रही है। क्यू एंट मतलब क्यू एंट, क्वेंट क्वेंट मतलब होता है अनूठा या फिर अनोखा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट मतलब क्या होता है, प्रोफ्लीगेट मतलब होता है अपव्यय, जो व्यर्थ का खर्चा करे, है ना, अपव्यय या फिर चरित्रहीन। चरित्रहीन कैसे याद रखेंगे, प्रो फ्ली गेट है ना, प्रो फ्ली गेट, प्रो फ्ली गेट है ना। कैसे याद रखेंगे इसको, प्रो फ्ली गेट है ना, प्रो फ्ली गेट। उसने मुझे, मान लीजिए किसको याद करेंगे, प्रो फ्ली गेट, प्रो फ्ली को प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट उसने ले लिया मेरे से गेट पे ही, है ना, प्रॉफिट उसने ले लिया मेरे से गेट पे ही, क्योंकि वो है अपव्ययी, है ना, मतलब ज्यादा खर्च करने वाली। मान लीजिए कि आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है कि मतलब आपका जो प्रॉफिट होता है वो गेट पे ही ले लेता है। मान लीजिए कि आप कहेंगे कि चलो बाद में हिसाब करके, नहीं, प्रॉफिट मेरे को तो गेट पे ही दे दे, तो प्रॉफ्लीगेट मतलब क्या, प्रॉफिट जो है वो गेट पे ही ले लिया, क्योंकि वो है अपव्यय, है ना। और इसको क्या कहते हैं, प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट मतलब क्या होता है, चरित्रहीन भी होते हैं, उसका जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल, प्रॉफ्लीगेट प्रोफाइल जो है वो गेट पे, मैंने जैसे ही उसके प्रोफाइल शो किया, उसने यानी जो गेट कीपर था वो कह रहा है ये तो आदमी प्रोफ्लीगेट है, चरित्रहीन है, क्या है, चरित्रहीन है। मैंने उसके प्रोफाइल को गेट पे जैसे ही बताया, यानी कि गेट पे दिखाया, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को, किसी के बारे में जब जाते हैं तो बताते हैं ना कि हमें इससे मिलना है, तो जैसे ही उसके प्रोफाइल को मैंने गेट पे पूछा, यानी प्रोफ्लिक, तो वो गेट जो कीपर था वो क्या कह रहा है, ये जो है वो क्या है, प्रोफ्लिकेट पर्सन है, प्रोफ्लिकेट मतलब चरित्रहीन आदमी है, प्रोफ्लिकेट मतलब होता है चरित्रहीन। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेंगे, नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मतलब क्या होता है, बेनी डिक्शन है ना, मतलब होता है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद, आशीर्वाद बैनी है ना। मान लीजिए बैनी नाम का कोई लड़का है, बैनी है ना, बैनी है ना। अब किसी को बैनी को यानी एडिक्शन है, किस चीज की है एडिक्शन, है एडिक्शन है दारू पीने की। बैनी, बैनी नाम का कोई लड़का है, उसको एडिक्शन है दारू पीने का। बैनी नाम का कोई लड़का है, उसको पीने की है दारू जो है लत लग गई है, तो वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा उसे देते हैं आशीर्वाद, क्या देते हैं, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन। बैनी को था एडिक्शन, बाद में बैनी को था एडिक्शन, वो बाबा के पास गया, जब देखते हैं हम लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र, नशा छुड़ाए 5 मिनट में, तो बाबा के पास जैसे ही गया, बैनी ने, वो बाबा ने किया बैनी को बेनिडिक्शन, बैनी को दिया बेनिडिक्शन, जिससे कि वो हर एक एडिक्शन से मुक्त हो गया। बैनी नाम का लड़का था, बैनी को था एडिक्शन, इस चीज का, शराब की लत लग गई थी, शराब पीने की एक लत थी, और उसने बाबा के पास जैसे किया, बाबा ने दिया बेनिडिक्शन, बैनी और प्लस एडिक्शन, बेनिडिक्शन दिया, आशीर्वाद दिया, और बाद में क्या हो गया, उसकी लत छूट गई, है ना। तो बेनिडिक्शन मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, बाबा ने क्या दिया था, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन है ना।
नेक्स्ट हम लोग वर्ड एक लेते हैं, लास्ट वर्ड लेते हैं बैली ग्रेंड, है ना, बैली बैली जेरेंट, है ना, इसको ऐसे याद रखेंगे, बैली BLLI जी, है ना, BLLI जी, है ना, बैली बैली जेरेंट, है ना, बैली जेरेंट, है ना, बैली जेरेंट, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ BLLIGERENT, बैली जेरेंट, है ना, बैली जेरेंट, है ना। तो बैली जेरेंट मतलब क्या होता है, झगड़ालू, क्या होता है बैली जेरेंट मतलब क्या होता है, झगड़ालू, बैली जेरेंट मतलब होता है झगड़ालू, कैसे याद रखेंगे, बेली बेली नाम की कोई लड़की है, बेली जो रेंट पे रहती है, बेली जेरेंट, है ना, बेली जो रेंट पे रहती है, एक तो रेंट नहीं देती है, बेली जो रेंट पे रहती है, एक तो रेंट नहीं देती है, और दूसरा बेलीजरेंट है, बेलीजरेंट मतलब झगड़ालू है, बेली जो रेंट पे रहती है वो क्या है, बेलीजरेंट है, बेली जो रेंट पे रहती है वो क्या है, बेलीजरेंट है, बेली जो रेंट पे रहती है वो क्या है, बेलीजरेंट है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वर्ड को देखा, ये नए वर्ड सब है, और आप इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में हमेशा वर्ड जो है वो क्या होगा, रिमाइंड होता रहेगा, और आपको जब भी एग्जाम में ऐसे वर्ड टकराएंगे आप क्या करेंगे, उसको तुरंत क्लिक करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो हमने आज देखा, जैसे कि अब हम एक वर्ड रिविजन करवा देते हैं आप लोगों को, फर्स्ट वर्ड देखा है फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब फिलिस्तीन के लोग होते हैं, असभ्य या फिर होते हैं गवार होते हैं, तो फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब होते हैं असभ्य या गवार, या फिर कहते हैं कि किसी चीज के बारे में नहीं जानता हो, जैसे कि हो गया संस्कृति के बारे में नहीं जानता हो, सभ्यता के बारे में नहीं, काव्य के बारे में नहीं, मतलब साहित्य के बारे में नहीं जानता हो, कम नॉलेज रखता हो, तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, असभ्य आदमी कहते हैं। तो क्या हो गया फिलिस्टाइन मतलब क्या हो गया, असभ्य आदमी। पिटेंस, पिटेंस को कैसे याद रखेंगे, पिटेंस, उन्होंने हमें क्या करा है, सैलरी नहीं दिया, क्या दिया है, पिटेंस दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, अपने मालिक को पीट दिया है, पिटेंस मतलब होता है क्षुब्ध, यानी कि हम लोग कहते हैं छोटी सी, क्षुद्र वेतन, है ना। स्पूरियस, स्पूरी में जो देसी घी आप कह रहे हैं वो क्या है, पूरी जो है वो स्पूरियस है, नकली है, आप देसी घी नहीं है इसमें, तो ये डालडा है, डिफाइन है, स्पूरियस मतलब होता है नकली। नेक्स्ट वर्ड हम लोग हीड, हीड मतलब आपका हीड क्या है, कहाँ पे है? मेरे हेड पे है, तो हीड मतलब क्या होता है, ध्यान होता है। नेक्स्ट वर्ड अपोजिट, आप कोई भी काम करते हैं चाहे वो अपोजिट क्यों ना करें, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन निकलता है लास्ट में जो निकलता है वो क्या होता है, वो अपोजिट होता है, ठीक होता है, योग्य होता है, अप्रोप्रिएट होता है ना, इस तरह से याद रखना है आपको। लेकुना, लेकुना हम लोग कहते हैं लाख यू ना खर्च करा कर, नहीं तो तेरे जिंदगी में क्या हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगी, लेकुना हो जाएगी, लेकुना, लेकुना मतलब होता है कमी, और तुम्हारा जो बैंक है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, बैंक जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। फेमाइन, फेमिन मतलब क्या होता है, फेमिन मतलब होता है अकाल, फेमिन मतलब क्या होता है, अकाल, और इसको मैंने बोला था फेमिनिन, एक फेमिनिन मतलब होता है पारिवारिक व्यक्ति, अगर आपके पारिवारिक व्यक्ति के सारे जो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं ख्वाहिश पूरा करने लगे, तो आपका जिंदगी में क्या हो जाएगा, फेमिन आ जाएगा, फेमिन मतलब होता है, फेमिन मतलब होता है ड्रॉट या अकाल। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेसरेट, लेसरेट हम लोग लेस जो होता है, लेस से अगर किसी के गर्दन को क्या करेंगे, काटेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, रात में उसके जो है मतलब गर्दन को मैंने क्या किया, लेसरेट कर दिया, लेसरेट मतलब तो धारदार चीज से काट दिया, लेसरेट, लेसरेट मतलब होता है धारदार चीज से काटना, और लेस, और लेस महंगा वो बेच रहा था, महंगे रेट पर बेच रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसका आलोचना किया, लेसरेट मतलब होता है आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है, लंबे बस्ते, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट मतलब लंबे बस्ते, तो लैम्बेस्ट मतलब क्या होता है, आलोचना करना, क्या करना, आलोचना करना। आजकल प्राइवेट स्कूल में लंबे लंबे बस्ते दिए हैं, तो भर भर के स्कूल के बैग में जो तुमने बुक्स ले जाते हैं, तो लैम्बेस्ट यानी वो क्या होता है, आलोचना का कारण बनता है, लैम्बेस्ट मतलब होता है आलोचना करना। रेस्टिव, रेस्ट प्लस ईव, ईव मतलब मैंने, और रेस्ट मतलब मैंने रेस्ट नहीं किया, इसलिए मेरा दिमाग क्या है, बेचैन है, अशांत है, रेस्टिव मतलब क्या होता है, बेचैन या अशांत। टिरेनी, टिरेनी अब मैंने बता दिया था कि तेरी रानी,
किरणी मतलब तेरी रानी क्या है, मतलब क्या करती है, अत्याचार करती है, निरंकुश है। सभी लोग अपने बोलते हैं कि मेरी रानी क्या क्या है, निरंकुश है, और वो हम पे क्या करती है, तिरैनी यानी अत्याचार करती है, वो है निरंकुश। तिरैनी या तिरैनी मतलब होता है निरंकुश या अत्याचार। नेक्स्ट हम लोग चौविनिस्टिक, चौविनिस्टिक मतलब क्या होता है, मैंने बताया था चौविनिस्टिक, चौमिन और मोमोज खाने वाले लोग क्या है, वो राष्ट्र मतलब जो है राष्ट्रवादी नहीं है। चौमिन और मोमोज खाने वाले लोग चौविनिस्टिक नहीं है, राष्ट्रवादी। मौ किस, माँ की जो भावना है, माँ ने जब हम जा रहे थे पढ़ने के लिए तो माँ ने क्या क्या किस, और ये क्या था, ये अति यानी सेंटिमेंटल, यानी सेंटिमेंटल अति भावुकपन था, यानी कि सेंटिमेंटल इफेक्ट था। माँ ने जब किया किस तो हम लोग क्या करें, मतलब मान लीजिए कि माँ ने आपको किया किस तो आप क्या हो गए, भावुक हो गए, अति भावुक हो गए, तो यानी सेंटिमेंटल यानी मौ किस। मैसेकड़े मास लेवल पर एक कई एकड़ में लोगों को क्या किया, लोगों को मार दिया, ये क्या था, एक मैसेकड़े था, मैसेकड़े मास लेवल पर कई एकड़ में लोगों को मार दिया, मैसेकड़े मतलब हत्याकांड था। नेक्स्ट वर्ड पेरिस, पेरिस की इतनी टूरिज्म अवस्था मतलब टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म ज्यादा आने के कारण से इसकी अर्थव्यवस्था कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, तो पेरिस मतलब नष्ट, नष्ट मतलब नष्ट, पेरिस मतलब तो है नष्ट, लेकिन पेरिस की अर्थव्यवस्था कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोग स्प्रूस, स्प्रूस मतलब होता है स्प्रूस, स्प्रूस मतलब होता है साफ सुथरा। स्प्रे और रूस, मैंने बताया था स्प्रे रूस, यानी रूस में ज्यादा ठंडी होने के कारण से लोग क्या करते हैं, कम पानी यूज करते हैं और स्प्रे से ही अपना काम चला लेते हैं। स्प्रूस मतलब साफ सुथरा। सिलेंडर, सिलेंडर का जो होता है ना, सिलेंडर ज्यादा दामों में मतलब बेच रहा था, इसलिए क्या किया गया, उसको निंदा किया गया। पैड़ी, पड़ी मतलब होता है टालना, पड़ी जैसी लड़की क्या करती है, जो अपने जिंदगी से जीसा लेते हैं उसके जिंद मतलब क्या करती है, उसको टालती रहती है, मतलब उसके लाइफ में नहीं आती है, उसको टालती है, उसको अपने क्या करती है, पड़े करती है, पड़े मतलब धक्का दे देती है अपनी जिंदगी से। तो पैड़ी मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, टालना या बचना। बिक्वेथ, बिक्वेथ मतलब कहते हैं कि अभी वसीयत की हम लोग बात कर रहे थे, बेकार है आपका ओएथ, बेकार है आपका ओएथ, क्योंकि आपने जो भी वसीयत मिलके मेरे नाम का था कुछ भी नहीं लिखा, तो विज्ञत मतलब क्या होता है, वसीयत होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, टीना। अब जो होता है ना, क्या कह रहा, पूरा कैश, पूरा पूरा कैश लेके टीना क्या की, चली गई है। अब क्या कर रही है, वो आने में विलंब कर रही है या देने में विलंब कर रही है, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है विलंब करना। नेक्स्ट ब्रॉबीट, उसका आईब्रो क्या किया गया, बीट से क्या क्लीन कर दिया, इसलिए वो क्या कर रही है, ब्रॉबीट कर रही है मतलब धमका रही है उसको, ब्रॉबीट कर रही है मतलब धमका रही है ना। रैमपेंट, राम का जो पेंट है फैलता ही जा रहा है, या फिर हम लोग कहते हैं कोई बीमारी है वो क्या हो रहा है, रैमपेंट हो रहा है मतलब तेजी से फैल रहा है, रैमपेंट हो रहा है। हम लोग कहते हैं मलेरिया होता है, डेंगू होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है, चेचक होता है, ये सब चीज होता है ना, रैमपेंट होता है मतलब फैलते जाते हैं, है ना। इरासिवल मतलब कंपनी वाला, मैंने बताया था इस कंपनी में लोग जो होते हैं ना, इस राशि के लोगों को नहीं लेते, क्योंकि वो होता है इरासिवल मतलब झगड़ालू होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, मतलब इस तरह के। कैरोस मतलब होता है, कैरोस मतलब क्या होता है, दावत देना, कार और जब हॉर्स ले लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, बड़ा सा दावत देते हैं और उसमें लोग चिल्ला के डांस करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब यार नॉइजी पार्टी है ना, और नॉइजी लाइवली ड्रिंकिंग पार्टी है ना, तो इसको हम लोग कैरोस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग कंट्राइट, कंट्री राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, कंट्री अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, कंट्राइट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। गली वल, जो गली के लड़के हैं, गली का जो बल है, गली का जो लड़का है वो क्या है, गली वल होता है, आसानी से जो तो धोखा खा लेते हैं, है ना। गली वल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। मिंगल, जब दो सिंगल मिल जाते हैं तो मिंगल हो जाते हैं, जब लड़का लड़की दोनों सिंगल हो तो बाद में अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, वो हो जाता है मिंगल। मिंगल मतलब क्या होता है, मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड कियोस्क, कहाँ से तुमने कराया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट। कियोस्क मतलब होता है क्या होता है, छोटा सा दुकान या स्टॉल। कियोस्क, पेडीलस, पेडी पड़ी और लस, पेडीलस मतलब होता है डेंजरस। लड़का तो हम लोग लॉस हो जाए तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1,000 रुपया किसी को दिए, दोस्त को, दोस्त ने हमें दिया नहीं तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन परी नाम की एक लड़की है, परी अगर क्या करेगी, उसको हो जाए लॉस तो वो क्या करेगी, अगले बार से हो जाएगी डेंजरस और वो किसी को पैसे नहीं देगी, तो परीलस मतलब क्या होता है, डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आउटरेजियस, आउट हो जाए राज, क्योंकि
क्योंकि अस मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, अपमानजनक बातें करेंगे। अपमानजनक मतलब आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब अपमानजनक। सेसेशन, सेसेशन मतलब 100 सेशन के बाद हम क्या करेंगे, विराम करेंगे। तो सेसेशन मतलब क्या होता है, विराम या अंत। नेक्स्ट वर्ड परपिचुअल, परपेट तुम लगातार हमें क्या करो, खाना भेजते रहो। तो परपिचुअल मतलब होता है लगातार, तुम्हारा जो रेट है वो परपिचुअली इंक्रीज कर रही है, मतलब लगातार तुम्हारा जो रेट है वो बढ़ रही है ना। नेक्स्ट वर्ड क्योस, क्योस मतलब होता है उथल पुथल। के ओस, ओस के कारण से क्या हो रहा है, ट्रैफिक में जो तो मतलब क्या हो रहा है, जाम हो गया, जिसके कारण से उथल पुथल हो गया। क्योस, एक्वेंट, जो एक्वा है, एक्वा और आंट, आंट जो कर रही है, एक्वा के बारे में हमें क्या कर रही है, एक्वेंट कर रही है, परिचित करवा रही है। ट्वेंट, क्यों आंट जो होते हैं ना क्या कर रही है, आज अनूठा लग रही है, ट्वेंट लग रही है ना। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ले लिया है गेट पे ही, क्योंकि वो सोचते हैं मितव्ययी, मतलब जो होते हैं ना, मतलब ज्यादा व्यय करने वाला, अपव्ययी था, अपव्ययी ज्यादा मतलब व्यय करने वाला, तो प्रॉफिट ले लिया गेट पे ही, प्रोफ्लिगेट। और या फिर हम लोग कहते हैं प्रॉफिट प्रोफाइल, जैसे ही मैंने उसका गेट पे दिखाया, तो जो डोर कीपर यानी कि गेट कीपर था वो क्या कह रहा है कि इसकी जो चरित्र है वो क्या है, चरित्रहीन है, यानी कि ये प्रोफ्लिगेट है, प्रोफ्लिगेट है ना। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, बैनी नाम का जो लड़का था उसको एडिक्शन था, किस चीज का, शराब का। बैनी जो है उसको एडिक्शन था मतलब शराब का, वो बाबा के पास गया और उनको मिला बेनेडिक्शन, जिसके कारण से उसकी जो लत थी वो छूट गई। बेलीजरेंट, बेलीजरेंट मतलब बेली नाम की जो लड़की है, बेली नाम की जो लड़की है रेंट पे, वो क्या है, बेलीजरेंट। एक तो रेंट नहीं देती है, दूसरा वो क्या है, बेलीजरेंट है ना। इस तरह से आपको मैंने एक रिवीजन भी करवा दिया कि अब आपके दिमाग में ये सदा के लिए क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना। तो आप इस वर्ड मीनिंग के सेशन को अच्छे से प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करके और इस चैनल पे आने के लिए इनवाइट कीजिए, है ना, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आपको इस वर्ड मीनिंग के साथ साथ ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ आपका जितने भी हैं इंग्लिश के पार्ट्स, साथ में जीएस के पार्ट्स है, रीजनिंग के पार्ट्स है, मैथ्स के पार्ट्स है, सब कुछ होता है ना, हम लोग क्लास में देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।